हे टीना, चलो चलते हैं। बैंक लूटने के लिए कितना अच्छा दिन है। आहा। पैसे दे दो, जल्दी करो। वाह, ये बहुत है। हम अमीर बनने जा रहे हैं। ओह यस। तुम दोनों इतनी जल्दी मत करो। हम तो गए, चलो भागो। ठीक है, मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, अच्छे दिल का जा तुम्हारे रहने की जगह ढूंढ कर ही रहेगा। अच्छे से रहो और अलविदा। टीना की किस्मत अच्छी है, एलिस हमेशा से एक बेटी गोद लेना चाहती थी। अब से मेरा ये घर तुम्हारा है। सबसे पहले चलो तुम्हें साफ करते हैं। इन पिंपल्स के साथ क्या करें? उस योगर्ट को देखो। स्ट्रॉबेरी। अब ठीक है। हाँ चलो करते हैं। वाह शानदार। रुको बहन, मेरे पास इसके लिए एक बेहतर टूल है। बस थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ। हाँ जरूर। लगता है वो खुद को रोक नहीं पाई और सो गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? फिर भी ये सच में बहुत मजेदार है। हाँ, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? तुम अवतार के लड़कों जैसी दिख रही हो। अरे बंद करो, चलो रंग बदलते हैं। हाँ अरे चलो, इतना गुस्सा मत करो बहन। चलो आखिरकार मैं फिर से नॉर्मल दिख रही हूँ। फ्रेकल्स सच में एक लड़की के चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। रुको, वो क्या है? क्या वो ब्लैक हेड्स हैं? हमें इसे ठीक करना होगा। भगवान का शुक्र है कि एलिस को इस काम के लिए एकदम सही गैजेट मिल गया। ये एक अल्ट्रासोनिक पोर क्लीनर है। चिंता मत करो, इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। वाह, ये इतना आसान था, बढ़िया। हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें त्वचा की गहरी सफाई के बारे में सिखाऊंगी। देखो ये झाग कितना थिक है। ओह बहुत अच्छा लग रहा है, ये कमाल है। अब बस इसे हटाना बाकी है। मेरी त्वचा बहुत स्मूथ और शाइनी हो गई। मुझे ट्रूम ट्रूम की वीडियो देखना बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे बिना ये देख रही हो? अभी हेडफोन्स उतारो। चलो। इयू, टीना, तुम बहुत अजीब हो। आओ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। ओह, मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बस ऐसे ही लगभग हो ही गया। वो ये बहुत ज्यादा है। हाँ लगता है मुझे उल्टी होने वाली है। हमें इसके लिए एक खास गैजेट की जरूरत है। ओह हिम्मत बनाए रखो एलिस, तुम्हें बहादुर बनना होगा। वाह मैं आखिरकार सब सुन पा रही हूँ। हाँ मैं वाकई तुम्हारे लिए खुश हूँ बहन। खाने के मजे लेते हैं। स्वादिष्ट। अरे ये किस चीज की बदबू है? ओह बहुत अच्छा है, बस एक और बाइट। मैं सांस नहीं ले सकती। हेलो, हमारे यहाँ एक इमरजेंसी आ गई है, प्लीज कुछ करें, मदद करें। ओ, ये सब क्या है? अरे ये मेरा खाना है, मैंने अभी पूरा खाया भी नहीं है। चलो बहन, हम तुम्हारे नाक के बालों की परेशानी को ठीक कर देंगे। अच्छू, ब्लेस यू, शुक्रिया। तुम्हें अपने होंठ के ऊपर भी बाल नहीं चाहिए। ये वैक्स स्ट्रिप्स यहाँ काम आएंगी। बस इसे यहाँ चिपका दो, बस ऐसे ही। और आ, बहुत बढ़िया।
मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब चीजें मेरे दांतों में फंस जाती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी तमीज कहाँ है? अच्छी बात है कि मेरे पास एक और काम का गैजेट है। माउथ पीस पर कुछ टूथपेस्ट लगाते हैं, इसे चालू करें और इसे डाल दे। तुम हाथ हटाओ। मुझे टैनिंग बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, अपनी जीभ बाहर निकालना। चलो कर दो। मुझे फिर से उल्टी आ रही है। तुम भीगी बिल्ली हो। देखो, प्लेग से छुटकारा पाना सच में आसान है। अब तुम्हारे कपड़े साफ करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बाल है। ओह हाँ, माफ कर दो। ठीक है, चलो जारी रखते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फंस गया है। आओ, निकलो। हो गया। आओ, बहुत दर्द हुई। मैंने आज से पहले इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। समझाने का समय नहीं है, हमें तुरंत वैक्स चाहिए। चलो वैक्सिंग स्टिक तैयार करें। ठीक है स्वीटी, अपना पैर मुझे दो और बस देखती जाओ। शुक्रिया, लेकिन मुझे सच में अब जाना है। ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ। प्लीज ऐसे मत करो। डर लग रहा है? मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं, अरे ये वाकई में इतना बुरा नहीं है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें टीना के मैनिक्योर का भी कुछ करना होगा। क्या ये सच में ऐसे है? चलो हाथ की सफाई से शुरू करें। वाह, मुझे ये पहले करना चाहिए था। एक आइडिया है, मुझे लगता है इसके लिए एक बड़ा बाथ चाहिए। टीना, खेलना बंद करो। आखिरकार ये साफ सुथरे हो गए। ओह ठीक है, अब हमें कौन सा रंग चुनना चाहिए? ओह ग्रीन। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह बहन, तुम इसे बहुत पसंद करने वाली हो। बस ऐसे ही। और थोड़ा सा रेड और वॉयलेट। हम इस अल्ट्रा वॉयलेट लैम्प से नेल पॉलिश को सिखाएंगे। टीना को ये अपना नया ब्राइट मैनिक्योर जरूर पसंद आएगा। वाओ, अब कुछ ग्लिटर के बारे में क्या ख्याल है? बस अपनी उंगलियों को डालें और फिर देखना। वाह, कितना चमकदार है। ईयू, कपड़े धोने का वक्त आ गया है। इस बीच मैं बस थोड़ी सी झपकी लूंगी। चलो देखें यहाँ क्या है। अरे मेरा मेकअप स्पंज। देखो तुमने क्या किया। ओह छोड़ो, इसे जाने दो। उठो, सुबह हो गई बहन। मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीज दिखाती हूँ। तुम्हें अब मेकअप करना सीख लेना चाहिए। ये पैच तुम्हारे होठों को प्लम्प कर देगा और इससे तुम्हारी आईब्रोज और घनी हो जाएंगी। ओह ये कुछ ज्यादा ही है। मुझे एक बेहतर तरीका पता है। स्टेंसिल इसके लिए बिल्कुल सही चीज है। इनके साथ हमारी आईब्रोज पर काम करना अच्छा और आसान है। चलो अपने होठों का ख्याल रखें। रेड कलर कभी बुरा नहीं लगता। बहुत ही सुंदर है। और अब मेरी सबसे पसंदीदा चीज, नियॉन आई शैडो। हम आई शैडो को अपने स्पंज के दो हिस्सों में लगाएंगे। एलिस आज कुछ कलरफुल करना चाहती है। अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल मत झांकना। टीना की आंखें अब सच में सबको बहुत पसंद आएंगी। बहुत बढ़िया। एक और लाइफ हैक का वक्त आ गया है। मस्कारा को फैलने से बचाने के लिए हम प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करना है? मेरे मन में कुछ आया है। ओह, हमारा हेयर जेल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? ओह मुझे पता है। सबसे पहले हम सावधानी से एक एलॉय के पत्ते को काटेंगे। उसके बाद हम आराम से उसके बाहर वाली लेयर को हटाएंगे। इस तरह हम चम्मच में कुछ एलॉय जूस इकट्ठा करेंगे। ओह और इसमें कुछ ग्लिटर भी मिलाते हैं। चलो बहन, मैं तैयार हूँ। हम इसके बालों को एक लंबी पोनीटेल में बांधेंगे और वो जेल लगाएंगे। उस चमकीले बालों को एक बार देखो। मुझे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मुझे कहना होगा, चीजें सच में सही हो रही हैं। आउच, उसे चोट लग गई। बहुत बुरा हुआ। एलिस बचाव के लिए दौड़ी। ये सही रहेगा, लेकिन अभी परेशानी हल नहीं हुई।
हालांकि एलिस को पता है क्या करना चाहिए। बस थोड़ी मेहनत के साथ उसने टीना के परेशानी का हल निकाल दिया। एक और चीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ब्लैक टाइट्स। अरे तुम सही हो हमेशा की तरह। इसे पहनो। ओह वाह, बहुत अच्छी लग रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। लगता है टीना के दिमाग में कुछ मजेदार चल रहा है। हम इन पुरानी टाइट्स को एक नया जीवन दे सकते हैं। बस पैर की उंगलियों को काट दे और आपको एक स्टाइलिश फिश नेट टॉप मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए आउटफिट लेकर आती हूँ। ओह वाओ, लगता है कि दोनों बहनें मिलकर दुनिया पर अपना जादू चलाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि नया सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। स्कूल जाने का समय है। बहन क्या तुम मेरे साथ आओगी? बिल्कुल मेरी बहन। एलिस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो सबसे अमीर भी है। हाँ, आज के लिए इतने पैसे खर्च करने काफी होंगे। फिर से तुम? मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। वो फैन से कभी नहीं बच सकती। और लगता है एलिस का कोई नया फैन है। अजीब लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। आज एलिस का मूड अच्छा नहीं है। चलो उस पर नजर रखते हैं और मुझसे दूर रहो। उप्स, माफ करना मिस मैरी। एलिस तुम्हें एफ मिलेगा। एफ? हाँ, वो हम देख लेंगे। ए कैसा रहेगा मिस मैरी? या मुझे जाना होगा, बाय। ओह, ये अमीर लड़की। एलिस को सबसे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। मिस एलिस, अब क्या है? बधाई हो, आपको सीक्रेट मिलेनियर स्कूल में आने को मंजूरी मिल गई है। वाओ, कितनी अच्छी किस्मत है। मेरे साथ चलो मिस एलिस, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सीक्रेट स्कूल मैप पर नहीं है, ये बहुत बड़ा राज है और एलिस इसे सॉल्व कर देगी अगर वो वहाँ पहुँच गए। अह, हम आ गए। तुम्हारी टिकट दिखाओ लेडीज और जेंटलमैन। ठीक है सर। एलिस, अपनी टिकट दिखाओ। इसको? ठीक है। क्या मिलेनियर यहाँ पढ़ते हैं? ये अमीरों का स्कूल नहीं लग रहा। ये खुला है। स्वागत है। इस तरफ एलिस, इसकी बदबू बहुत गंदी है। क्या हम पक्का सही जगह पर हैं? हाँ एलिस, डरो मत, बस कूद जाओ। जाओ, बहुत बढ़िया। पक्का ये सही जगह है? अच्छे से पढ़ना बच्ची। ये है सुपर सीक्रेट रिच स्कूल। यहाँ बहुत कम लोग ही पढ़ पाते हैं। देखो डेनिस, ये नई लड़की है। पक्का ये अमीर है। ये अच्छी नहीं दिख रही। बच्चों, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये तुम्हारी नई क्लासमेट है और अमीर स्टूडेंट को डायमंड कार्ड मिलता है। ये जादुई है। हेलो, मैं एलिस हूँ। नहीं, आज नहीं। ये अजीब है। और आप प्रिंसिपल हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा। हनी, तुम्हें नहाना चाहिए। स्कूल का पहला दिन अच्छा नहीं बीता। मिलेनियर के भी टेस्ट होते हैं। चलो शुरू करें। मेरे लिए टेस्ट लाओ प्लीज। शुक्रिया ब्रैंडन, ये स्टूडेंट्स को दे दो। मनी टेस्ट कुछ नया है। एलिस ने इसके लिए पढ़ाई नहीं की। दोस्त, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। मनी इक्वेशंस आसान होती है। पैसे गिनो और सही आंसर लिखो। और अब सबसे मुश्किल टास्क, ये बिना गोल्ड के नहीं हो सकता। ठीक है, परेशान मत हो। अगर गोल्ड नहीं है तो हम चीट शीट्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीक्रेट स्कूल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एलिस, इसे जल्दी से हटाओ। हम ये बकवास गैजेट इस्तेमाल नहीं करते। मुझे फोन दो और नया वाला ले लो। ये रही तुम्हारी सारी चीट शीट्स। वाओ, स्कूल उतना भी बुरा नहीं है। वो चीटिंग भी करने देते हैं, अमीर बच्चों के लिए कुछ भी। टेस्ट में ए हमेशा मिलेंगे और पुराने फोन्स कचरे में। उफ, ये बेकार है। और अब सबसे बढ़िया चीज, फोर्ब्स के कवर के लिए पोज सीखें। सब तैयार हो? आज की ये मास्टर क्लास माहिर लोग लेंगे।
ब्रैंडन स्टेज पर जाओ, पोज बनाना आसान होता है, अमीरों की तरह चलना बहुत जरूरी है, पैसे की कन्फेटी और फिर फैंस के लिए एयर किस। दोस्तों क्या मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई? ओह मुझे भी पोज बनाना अच्छा लगता है। तुम परेशान मत करो, मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, ये फोर्थ शूट है, ये बहुत बेकार है। और प्रैक्टिकल टास्क, पॉली और डेनिस को अपना काम पता है, वो बचपन से मैगजीन कवर्स के लिए पोजेस बना रहे हैं। यहीं रुको, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। हटो लूजर्स, माहिर इंसान आ गए हैं। हे भगवान बचाओ, बहुत बुरा हुआ, मैगजीन क्लास खराब हो गई, लेकिन एलिस को कोई नहीं रोक सकता, मैं ठीक हूँ। तुम पिक्चर लो, एलिस किडो अब तुम्हारा आराम करने का समय है, क्लास के बाद यहीं रहना। हमें ब्रेक के समय क्या करना चाहिए? सबको बताओ कि हम कितने अमीर हैं। डेनिस तुमने देखा, अभी तक ये बाजार में भी नहीं आया। सेल्फीज कैसे रहेगी? अच्छी किस्मत है, यहाँ बड़ा हाथ लगने वाला है। चलो हम शुरू करें। हे, ये मेरा नया फोन है, ये अमीर लोग हैं। चलो फिर कोशिश करें। परेशान मत हो पॉली, कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक फोन था। यहाँ क्या चल रहा है? मैं अपने पैसे नहीं दूंगा। और पॉली के पास अब एक भी फोन नहीं है, लेकिन आज किसी की लॉटरी लगी है, ये फिशिंग ट्रिप अच्छी थी। हे दोस्तों कैसे हो? वो फिर बात नहीं करना चाहते। पॉली देखो, नई लड़की फंस गई, बुरी किस्मत है। बचाओ, मेरी मदद करो, लगता है कोई बड़ा खजाना है। खींचो दोस्तों, कुछ करो, हम दोस्त हैं। थोड़ा और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन ब्रैंडन सबको बचा लेगा। एलिस परेशान मत हो, ठीक है? हे दोस्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहीं और जाके चोरी करो। उप्स पकड़े गए, यहाँ से खिसकने का टाइम हो गया है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हर मिलेनियर को गोल्फ खेलना आना चाहिए, और मिस पैनी सबको सिखाएगी ये कैसे खेलते हैं। चलो क्लास शुरू करें। ब्रैंडन मुझे स्टिक दो, देखो और सीखो बच्चों, निशाना लो, स्विंग करो और मारो, ये कमाल की हिट है। और अब तुम्हारी बारी, ये काम कर जाएगा, तुम पैदाइशी मिलेनियर हो। सबसे पहले पॉली करेगी, वो बचपन से गोल्फ खेल रही है। ये हमने कर दिखाया, इसे ए मिलना चाहिए। डेनिस क्या करने वाला है? ये इसमें चैंपियन है, ये बढ़िया है, सीधा शॉट। दोस्तों हाई फाई, ये फिर शुरू हो गए, बहुत बेकार है। एलिस तुम्हारी बारी, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। लेकिन वो नहीं कर पाई। ओह माफ करना, गलती से हो गया, मैं ये ठीक कर दूंगी। एलिस तुम्हें यकीन है? घुमाओ और मारो। उप्स वो कहाँ गई? मुझे माफ करना मिस पैनी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इस लड़ाई को रोकना मुश्किल है। एलिस तुम्हें एफ मिलेगा। मिस पैनी मुझे जाना होगा, मैं कहाँ छुपूं? सीक्रेट स्कूल में लंच भी खास होता है। रुको डेनिस, सेफ्टी पहले, पहले मैं प्रिंटर देखूंगा। ठीक है चलो देखें, यहाँ सब ठीक है। और अब एक टेस्ट प्रिंट। स्वादिष्ट है। खाना खा लो बच्चों। आज मुझे क्या खाना चाहिए? हाँ पास्ता, मुझे इसे जल्दी से खाना है। कितनी देर और डेनिस? आज पॉली लंच में गॉर्मेट सी फूड खाएगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे अकेला छोड़ दो एलिस, अजीब गैजेट है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे बहादुरी दिखानी होगी, ये ठीक रहेगा, अगर हम सारे बटन दबा दें तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। ये लंच तैयार है, ये अच्छा नहीं दिख रहा,
तुम सच में खास हो एलिस। देखो मिलेनियर का डिनर ऐसा दिखता है, स्वादिष्ट है। हाँ एलिस, तुम्हें हूट क्यूज़ीन के बारे में कुछ नहीं पता, या शायद ये ज्यादा बुरा नहीं है। हे भगवान, जितना बेकार ये दिखता है उससे भी बेकार इसका स्वाद है। मैं अभी आई, लेकिन गार्ड इसे नहीं छोड़ेंगे। ब्रैंडन स्कूल को बेकार खाने से बचाएगा। ये समय नई लड़की के साथ मजेदार प्रैंक करने का है। डेनिस और पॉली के पास कमाल का आइडिया है। हो गया, शायद वो आ रही है। चलो छुपे, आज ये अजीब लग रहे हैं। क्या वो फिर से कुछ करने वाले हैं? लेकिन क्लास का समय हो गया है। ओह नहीं, गोल्डन एवलेंच को रोकना मुश्किल है। ओह कितनी भारी है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम ठीक हो एलिस? तुमने इतने सारे गोल्ड का कभी सपना भी नहीं देखा है ना? फिर मिलेंगे। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। सीक्रेट मिलेनियर स्कूल एलिस के लिए नहीं है, वो जा रही है। पीरियड। हे, मुझे बाहर आने दो अभी। कौन है? कितनी अजीब बात है, अमीर स्कूल से आज तक कोई नहीं भागा। एलिस पहली लड़की है जो ऐसा कर रही है। ओह हाँ, मैं बाहर आ गई। उसे पता चल गया कि अमीरी से परेशानियाँ होती हैं। अब अमीरी को खत्म करने का समय है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। और मैं अपने पुराने स्कूल में जा रही हूँ। बाय। बाहर निकलकर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब से कोई सीक्रेट स्कूल नहीं। आगे बढ़ो जूलिया, हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। खजाना यहीं कहीं है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं? जाहिर है कि खजाने को ढूंढ कर। ये एक दिलचस्प एक्टिविटी है। ठीक है, हाँ अब सीधा आगे। ध्यान दो जूलिया। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ एलिस। एलिस और जूलिया लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। खजाना आसपास ही है। उस तरफ नहीं जूलिया, ये एक सीरियस बात है। अभी गेम्स खेले वक्त नहीं है। लेफ्ट की ओर 4 कदम। बिंगो। अब सीधा आगे और फिर राइट की ओर। हाँ, 3 कदम नॉर्थ की ओर। मुझे लगता है कि खजाना यही है। जूलिया, हमने ढूंढ लिया। वाओ एलिस, हमने कर दिखाया, हम अमीर हो गए। हाँ लेकिन पहले खजाने को खोदकर बाहर निकालना होगा। खोदना होगा? बिल्कुल, जल्दी करो और शॉवल लाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ गई बेस्टी। मैं कहाँ खोदूँ, यहाँ या वहाँ? ध्यान से जूलिया। ओह मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे करने दो, मैं इस खजाने को खुद खोद कर निकाल लूंगी। खजाने को खोद कर बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन लड़कियां हार नहीं मानेंगी। वो कुछ ही वक्त में करोड़पति बनने वाली है। फिर अब तुम्हारी बारी है जूलिया। ठीक है एलिस, मैं ये कर सकती हूँ। ओह मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है। सही कहा, तुम स्मार्ट हो जूलिया, वो हमारा खजाना है। खींचो, चलो भी थोड़ा और। ओह और ये ट्रंक भारी है, इसमें बहुत सारा पैसा और सोना होगा। जूलिया जरा सोचो, हम एक घर खरीदने वाले हैं। सही कहा एलिस, हम एक पूरा पैलेस खरीदेंगे। अब और इंतजार नहीं, चलो इसे खोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये टेप है। ध्यान दो जूलिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। गुड बाय सपनो। चलो भी एलिस। देखो ये चिपचिपी है, मैं तुम्हें इससे लपेट भी सकती हूँ। क्या तुम ऐसा सोचती हो? मुझे अकेला छोड़ दो जूलिया, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। हालांकि हम टेप से एक घर बना सकते हैं। हमारा घर यहाँ होगा बेस्टी। चलो प्लानिंग से काम करते हैं। चलो इन पाइप्स को टुकड़ों में काट ले। देखो ये बहुत आसान है, काटो और हो गया। मैं तुम्हें देख सकती हूँ एलिस। जूलिया हनी, कुछ और बिल्डिंग मटेरियल्स लाओ। आसान है, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है, अब हमें इन पाइप्स को मोड़ना होगा। वाओ ये कहाँ से आया जूलिया? मैंने अपनी पूरी कोशिश की एलिस, क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ जरूर, लेकिन हमें छत की भी जरूरत है, याद है ना? ये हमारे पास छत भी होगी। सही कहा बेस्टी। और चलो अब बेस और छत को एक साथ लगाएं। चलो टुकड़ों को बिछाएं और शुरू करें। मैं तैयार हूँ एलिस। बोल्ट्स कहाँ है? ओह नहीं जूलिया, ये मुझ पर छोड़ दो, अब एक प्रोफेशनल काम करेगी। बस कुछ मिनट और सभी चीजें तैयार है। और अब हम डोम को उठाएंगे और हम पाइप्स को बेस से जोड़ेंगे। वुहू एलिस, अब हमारे पास एक पिंजरा है।
जूलिया फिर से काम पर लग गई है और अब सबसे जरूरी बिल्डिंग मटेरियल टेप। हम इसे पाइप्स के चारों ओर लपेटेंगे और लेयर्स। अब घर किसी भी तूफान को झेल सकता है। और आखिरी लेयर। ओह, तुमने मुझे डरा दिया एलिस। हमें एक जरूरी चीज का फैसला करना होगा, ब्लैक या येलो। ये काम नहीं किया तो हम घर को दो रंगों से सजाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट कलर है। रुको, एलिस कहाँ है? शायद वो खो गई है। तुम कहाँ हो दोस्त? मुझे जवाब दो। जूलिया, मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि हमारे कैबिन में एक दरवाजे की कमी है। हम इसे अभी ठीक कर देंगे। एलिस, तुम एक जीनियस हो, मुझे तुम पर विश्वास है। ये अब तुम स्कॉच टेप हाउस में रह सकती हो। ये असली है, लेकिन अभी भी एक छोटी सी चीज करनी बाकी है। चलो पाइप्स को टेप से ढक दे और अब घर बहुत अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ बहुत गर्मी है और हम खिड़कियाँ बनाना भूल गए। ठीक है तो ये लो, चलो ओवल खिड़कियाँ बनाते हैं। ये बहुत सुंदर बनी है। जूलिया, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेस्टी। देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। वाओ, ये तो कमाल का आइडिया है। हम एक असली दरवाजा बनाएंगे, इन हिस्सों को एक साथ लगाएंगे और ये तैयार है। मेरी मदद करो। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ, हमें फ्रेम पर टेप लगानी होगी। एलिस, हम एक ब्रेक क्यों नहीं लेते? आज नहीं जूलिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। वाओ, ये सुंदर है। क्या ये ब्रेसलेट है? नहीं जूलिया, ये हमारे दरवाजे के हिंजेस हैं। दरवाजे को लॉज से जोड़े। अब हम मैकेनिज्म चेक करेंगे। ये काम कर रहा है। एलिस, देखो ये कितना अच्छा है। जूलिया, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, खिड़कियों के बारे में क्या? लड़कियों के पास पहले से ही अच्छे प्लास्टिक फ्रेम्स हैं। हम उन्हें अंदर डालेंगे और उन पर टेप लगाएंगे। घर बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा खाली है। एक आरामदायक सोफा बनाने का वक्त आ गया है। प्लास्टिक की बॉटल्स और डक्ट टेप से बॉटल्स को दो लाइनों में लगाएं और इन्हें टेप से एक साथ चिपका दें। और ये रही बैग, हम इसे कहाँ लगाएं? यहाँ। रुको जूलिया, चलो सोफे को नर्म बनाते हैं। यहाँ फोम रबर काम आएगी और साथ ही कुछ अच्छी अपहोस्ट्री भी होगी। अगर आप कोई कलर नहीं चुन सकते तो दोनों का इस्तेमाल करें। सीट ग्रीन रंग की होगी और पिछला हिस्सा ब्लू होगा। वाओ, कितना आरामदायक है। ये और भी मजेदार होता जा रहा है। जूलिया, हम इस फ्रेम से एक आरामदायक टेबल बना सकते हैं। हमें बस पैरों की जरूरत है। मैं लाती हूँ एलिस, क्या ये चलेगी? नहीं, ठीक है। और ये, इसके बारे में सोचना भी मत। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बेहतर है दोस्त, ये सही रहेगी। एलिस, रास्ते से हट जाओ, मैं इसे खुद करूंगी। पैरों को फ्रेम से जोड़ दे। टेबल बहुत अच्छा लग रहा है। ओप्स, लेकिन टेबल टॉप अभी पूरा नहीं हुआ है। जूलिया, क्या तुम टेप भूल गई? ये हमेशा कंस्ट्रक्शन में काम आती है। फ्रेम बनाएं और हम सजावट को चिपचिपी लेयर पर लगाएंगे। समुद्री स्टाइल में टेबल, ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है। और ऊपर टेप की एक और लेयर लगाएं। टीम वर्क हमेशा जीतता है। और हम कैबिन में एक मुलायम कारपेट बिछाएंगे। यहाँ कितना आरामदायक लग रहा है। अब और लाइट्स लगाने का वक्त है। चलो लाइट्स को सीधे फ्रेम पर लगाते हैं। अब यहाँ कितनी रोशनी है, हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। एक और चीज जूलिया, क्या हम क्रिसमस मनाने वाले हैं? हो, नहीं, हम बादल बनाएंगे। ओह, ये कितना फ्लफी है। बढ़िया काम एलिस, तो मैं सुंदर आसमान को भी देख सकती हो। और हम सोफे को यहाँ रखेंगे और बेशक ढेर सारे नर्म कुशन्स। हमने कर दिखाया दोस्त। हाई फाइव जूलिया। और अब हम टेबल को अंदर ला रहे हैं। चलो इसे सोफे के साथ में रखते हैं। और लाइट्स ने भी अभी तक किसी भी टेबल को बर्बाद नहीं किया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पकड़ने की कोशिश करो एलिस, रुको।
अब जूलिया बीच में नहीं आएगी। टेप फिर काम आ रही है और प्लास्टिक भी। तो जूलिया, क्या अब तुम्हें मजे आ रहे हैं? सब्र करो बेस्टी, अब हम तुमसे एक डॉल बनाने वाले हैं। ओह, टेप खत्म हो गई है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ एलिस? ये लो, शुक्रिया। तुमने ये कैसे किया? रुको, लेकिन मैं जूलिया किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकती है, लेकिन डक्ट टेप की डमी एक अच्छा आइडिया है। थोड़ा सा स्टाइल और चुटकी भर ग्लैमर। स्केयरक्रो तैयार है, लेकिन इमेजिनेशन की कोई हद नहीं होती। स्कॉच टेप हाउस में फूलों की कमी है, इन बच्चों को कहाँ रखा जाए? जूलिया, चलो केकटाई को बॉबिन में डालें, लेकिन पहले हम निचले हिस्से पर टेप लगाएंगे और छोटी टोकरियों को सीधे खिड़की पर लगाएं। अब यहाँ ढेर सारे केकटाई है और हर पौधा अलग पॉट में है। एक ग्रीन इंटीरियर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप एक सीक्रेट कैबिन को छुपा नहीं सकते। एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है। वाओ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रंक में क्या है, इसमें जरूर खजाना होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वहाँ कौन है? ये जगह सच में अजीब है। एलिस, वहाँ कौन है? मुझे नहीं पता जूलिया, मुझे लगता है कि किसी को हमारा चिपचिपा खजाना चाहिए था, लेकिन चोर को कुछ नहीं मिला। सारी टेप कैबिन बनाने में लग गई। चलो अपनी पूरी छुट्टियाँ यहीं बिताते हैं।